बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की कविता बड़ी मनमोहक होती है। जैसे श्रृंगार के बिना दुल्हन अधूरी होती है, वैसे ही काव्य से अगर सौंदर्य को अलग कर दो तो काव्य की सुंदरता कम हो जाती है। जी, सौंदर्य के ऊपर एक से एक कविताएं महान कवियों ने लिखी है, जिसको पढ़ने के बाद मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, क्लास में केहू बा जी एकरे बारे में कुछ बता सके? शिव जी। सर जी। बाबू, तू कुछ श्रृंगार रस के बारे में बता सकेला? जी सर जी। सर जी, कवि जयशंकर प्रसाद जी के वो कविता बाटे सुनावल चाहब। अरे सुनावा सुनावा। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? वाह, का बात बा। नतमस्तक गंवर वहां करते, यौवन के घन रस कण झरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो। सर जी हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल गदगद कर देला भाई, बैठ जा। राजीव, ओइजा का लागल बाड़ा? कुछ ना सर, वो सौंदर्य की बात कर रहे थे और हम सौंदर्य को महसूस कर रहे थे। अच्छा, खड़ा हो जा। अगर तोरा आवत होखे तो सौंदर्य रस पर कविता सुनाओ जरा, आवेला कि ना? का कह दिए सर जी, हम श्रृंगार रस में PhD किया हूँ। PhD? और हमारे जो कवि हैं गुरुजी, इमरान हाशमी जी। इमरान हाशमी जी, और उनका कवि का पहला अध्याय है, सुनेंगे तो मन गदगद हो जाएगा। सो सुना बता। पहला लाइन है, भीगे होठ तेरे। ओहो हो, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। वाह, क्या बात है। लगे ओबरसा सारा तन तेरा। पकलोल कहीं के बैठा। तुम्हारा कविता सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा आदर्श मस्त राम है। सर, लागत है मस्त राम जी की कहानी का आनंद आप बहुत लेते हैं। चला। अच्छा चलो, आज का क्लास यही समाप्त होता है। चलो चलो, जल्दी चलो 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 चलो।